आज मैं बनाने वाली हूँ सूजी के लड्डू। तो मैं आलू और सूजी के बॉल्स बनाने वाली हूँ। तो मैंने एक आलू ले लिया था, उसको छील लिया है और पानी से मैंने धो लिया था। अब इसको हम पीस लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं। इसमें हम सबसे पहले चना का दाल डालेंगे, उड़द का दाल डालेंगे इसमें और अच्छी तरह से इसको हम कर लेते हैं। गैस को मैंने दो फ्लेम रखा है। इसको हम भून लेते हैं। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं। अब इसमें हरी मिर्च डालेंगे हम। अब इसमें प्याज डाल देते हैं काटी हुई। मैंने गैस लो फ्लेम पे बनाया, नहीं तो जल जाएगा ये। इसमें थोड़ी सी राई डाल देते हैं। अब इसमें जो मैंने आलू का पेस्ट पीस के रखा था उसको भी और इसी में हम जो बचा हुआ था इसको भी धोकर पानी और डाल लेते हैं। अब तो भी इसको हम पका लेते हैं। अब इसे हम सूजी डालेंगे। मैंने सूजी लिया था एक कटोरा, मोटी हो पतली हो कोई भी सूजी ले सकते हैं। इसमें अब डाल के इसको पका सकते हैं। इसको हम पकने देते हैं, ढक देते हैं, छोड़ देते हैं के लिए छोड़ देते हैं। 5 मिनट तक इसको पकने देते हैं। मैंने एक चम्मच इसमें नमक डाल दिया है। आप अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल सकते हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से पका लिया है। अब इसको हम आपको पता हो लग जाएगा कि बॉल बनने के लिए तैयार हुआ है नहीं हुआ है। थोड़ा और पका लेती हूँ मैं। गैस से उतार ली हूँ, ठंडे होने के लिए छोड़ देती हूँ। ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको बॉल बनाना स्टार्ट कर दूँगी। मैं पेस्ट अब हम तेल हल्का से लेकर लगा लिया है। हल्का लेकर लड्डू बना ले रहे हैं। बॉल्स हम बना लेते हैं इसी तरीके से सारे। इसी तरह हम सारे बॉल्स को हम बना लेते हैं। बॉल्स का कलर चेंज हो गया है। आप ऐसे भी खा सकते हैं चटनी के साथ भोर के और फ्राई करके छोंक के भी आप खा सकते हैं। तो चलिए हम इसको पहले तड़का मार लेते हैं। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा लिया है। अब इसमें एक चम्मच मैंने तेल डाल दिया है। मैंने तेल डाल लिया है।
अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल रहे हैं, थोड़ा सा जीरा डाल देते हैं, थोड़ा हरी मिर्च डाल देते हैं, नींद डाल देते हैं। नींद डालने से खुशबू भी अच्छी होती है और टेस्ट भी अच्छी लगेगी। मैंने चुटकी भर नींद डाला है, ये मार्केट में अवेलेबल है, मिल जाएगी आपको। अब इसमें फिर से राई डाल रहे हैं, अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च डालेंगे, अब इसमें हम थोड़ा सा लाल मिर्च डाल रहे हैं कलर के लिए। इसमें हम थोड़ी सी पानी डालेंगे, लेते हैं, कलर भी फिर चेंज हो जाएगी, टेस्टी भी लगेगी खाने में। आपका मन है तो आप जी हरी मिर्च निकाल भी सकते हैं, नहीं मने खाने को तो, और खाने हैं तो आप ऐसे भी खा सकते हैं, तीखा जिसको पसंद है। अब अच्छी तरह से इसको पका लेते हैं। कितना बढ़िया कलर आया है, इसको अच्छा पक जाने देते हैं, थोड़े से डाल देते हैं चावल को। और इसमें हम थोड़ा सा धनिया पत्ता डाल देते हैं इसमें, क्योंकि कलर कितना सुंदर कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है हमारा सूजी का बॉल। ऐसा लग रहा है ना, देखिए कलर कितना बढ़िया कितना सुंदर बनकर तैयार है बॉल हमारा। अब इसको हम निकाल के सर्व करेंगे। देखिए हमारा सूजी का बॉल्स और आलू का बॉल्स, सूजी और आलू का बॉल्स मैंने बनाया था, तो देखिए बनकर बिल्कुल मार्केट के जैसा बनकर तैयार है। देखिए कितना सुंदर, आप मैं साथ में इसको मैंने मूंगफली का चटनी बनाया, मूंगफली और नारियल का चटनी, ये तो मैंने डाल ही दिया है वीडियो बनाकर ये कैसे बनता है, तो सेम उसी तरह बनाइएगा और इसके साथ खाइएगा, और सॉस के भी साथ आप इसको खा सकते हैं। आप चाय के साथ भी, शाम के समय चाय के साथ भी आपको ले सकते हैं, ब्रेकफास्ट में भी आप खा सकते हैं, लंच में भी आप ले जा सकते हैं, तो ऐसी है। और नहीं फैट नहीं है ना, ज़्यादा तेल की मात्रा इसमें है, कैलोरीज भी है, तो आप इसी तरह बनाइए और खाइए। और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।